आज की रेसिपी बिहार की पॉपुलर रेसिपी है जो कि बहुत ही हेल्दी भी होती है और इसे हर सैटरडे को ये मान्यता है कि बनाने से ना ग्रह वगैरह कटता है, खाना चाहिए। हर एवरी सैटरडे को ये खाया जाता है, मैक्सिमम घरों में ये सैटरडे को बनता ही है खास करके। और इस दिन शनिवार के लोग पूजा भी करते हैं और शनिदेव की, और उनकी ये मान्यता है कि शनिवार को ये खाने से ग्रह कटता है। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया है, पापड़ है, दही है, ये सारी चीज़ें वो लोग इंजॉय करते हैं। बैंगन का चटनी है और ख़ास करके विंटर सीजन में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो आज हम बनाएंगे मसाले वाली खिचड़ी। इसके लिए हमने दाल को सोक कर लिया है, आधे घंटे पहले दाल हमने भिगो दिया था। इससे बहुत बढ़िया खिचड़ी तैयार होती है। रेशियो जो हम लेंगे दाल और चावल का वो होता है, अगर आधी कटोरी आप चावल ले रहे हैं तो एक कटोरी दाल लेना होगा, यानी कि जस्ट डबल हो जाती है। तो बासमती चावल मैंने लिया है, छोटी वाली जो बासमती खुशबू वाली चावल होती है, तो उससे हम बनाएंगे खिचड़ी, बहुत बढ़िया बनता है। दाल सोख किया है लेकिन चावल को हम सोख नहीं किए हैं, अच्छी तरह से साफ पानी से धो दिए हैं। स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल देंगे हम और हल्दी पाउडर। गरम मसाला और जीरा पाउडर और जो कि ब्लैक पेपर पाउडर होता है वो मिक्स किया हुआ, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये। अगर स्पाइसी चाहते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चॉप किया हुआ टमाटर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम गैस पे चढ़ा करके एक विसल तक पका देते हैं। सिर्फ एक विसल तक इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं। अब तब तक हम इसको बैंगन का भरता तैयार कर देंगे। मैंने पहले भी बैंगन का भरता शेयर किया है तो इसे मैं शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करा लेती हूँ, क्योंकि ये बैंगन का भरता विंटर सीजन में बहुत बढ़िया लगता है। और ख़ास करके खिचड़ी हो या सत्तू का लिट्टी पराठा हो, इन सारी चीज़ों में बैंगन का बहुत ही ज़रूरी अच्छा लगता है, टेस्टी। और ये खिचड़ी के साथ ज़रूर ही खाते हैं बिहार में लोग सभी। तो इसको हम लोग चटनी के रूप में बनाएंगे। बैंगन का भरता हो गया, टमाटर के साथ इसको इसको रोस्ट करके मैशर से मैश देते हैं। और अदरक का पेस्ट हो गया, लहसुन हो गया, ये चॉप किया हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड करके, सरसों का तेल, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके इस तरह से बैंगन का भरता बन जाता है। इस तरह से मैश कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो खिचड़ी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है और ज़रूर सभी लोग ऐड करते खाते हैं, ज़रूर इंजॉय करते हैं इसके साथ। तो चलिए चलते हैं, सब्जियां काट लेते हैं। ये जो मिल है कद्दू जिसको बोलते हैं, ये विंटर सीजन में बहुत बढ़िया मिलता है, हरे हरे एकदम, मतलब इतना फ्रेश रहता है। और इसको अगर आप खिचड़ी में डालोगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कद्दू को एकदम बारीक काट लिया है, फिर से फूलगोभी और प्याज, मटर, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे खिचड़ी में। चटनी के लिए मैंने लिया है आंवला जो कि विंटर सीजन में मिलती है, इसको हम कट कर लेंगे। और इसके साथ धनिया, हरी मिर्च, नमक और सरसों तेल मिक्स करके चटनी तैयार कर लेते हैं। जैसे आंवले को हम कट करके इसमें मिक्स कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस, आसानी से ये ग्राइंड हो जाता है। इस तरह से हमारी चटनी रेडी हो गई है।
नमक सरसों तेल इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें सरसों तेल डाल देंगे। अब इसमें हम खिचड़ी का तड़का लगाने वाले हैं, तो इसमें हम सरसों अच्छी तरह से सरसों तेल को गरम करके तेज पत्ता डाल देंगे। सरसों जो ब्लैक वाली सरसों होती है वो, जीरा और हींग, ये सारी चीज़ों को स्प्रेटर होने देंगे। तड़का लगा देते हैं। हरी मिर्च चॉप किया हुआ, अदरक चॉप किया हुआ, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद प्याज को इसमें हम गोभी, ये सारी सब्जियां मिक्स करके इसको पका लेंगे, क्योंकि सारी सब्जियां अभी कच्ची है और गोभी को भी हमें पकाना है ब्राउन होने तक, सॉफ्ट जब तक हो जाता है। ये सारी सब्जी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। मैक्सिमम क्या होता है कि जब हम लोग दाल चावल पकाते हैं उस समय भी सब्जियां डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफर हो जाता है। तो तड़के के समय हमने ये सारी सब्जियां डाल दिया है कि जिससे कि खिचड़ी का स्वाद और बढ़ जाएगा। मटर डाल करके ये सारी चीज़ें हम ढक करके पका देंगे। कद्दू भी मिक्स कर देते हैं। इस तरह से ये सॉफ्ट होने तक, और इसमें मैंने चॉप किया हुआ लहसुन मिक्स कर दिया है। पहले इसके मैंने लहसुन नहीं मिक्स किया था, अभी मैं डाली हूँ जिससे स्वाद थोड़ा आता है। और एक बार फिर हम चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। हरी धनिया इसमें मुट्ठी भर डाल दिया है। चेक कर लेंगे, सब्जियाँ ऑलरेडी पक चुकी है, गोभी भी पक चुका है और कद्दू भी सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं। इस तरह से खिचड़ी का जो हमने देखा कि पक चुका है एक विसल में, अब इसका लिड हटा करके अब हमने जो भी सब्जियां फ्राई किया है इसमें हम मिक्स कर देंगे तड़का। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि बहुत गाढ़ी है ये खिचड़ी और सब्जियां भी बाकी है डालना, तो और गाढ़ी हो जाती। सारी सब्जियों को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी, देखने से ही लग रहा है ये माउथ वाटरिंग टेस्ट, तैयार हो गया है ये खिचड़ी। और ख़ास करके विंटर सीजन में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें और भी सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, बीन्स हो गया, बहुत ऐसी सब्जियां हैं जिसमें हम लोग इसमें इसको डाल करके इसको और भी हेल्दी बना सकते हैं और टेस्टी भी बहुत लगता है। अब हम एक बनाएंगे भरता आलू का, जिसको फ्राई करके बैंगन का बना लिया है। अब इसको हम आलू को करेंगे अच्छी तरह से, बॉयल कर लिया है इसको हम चूर लेते हैं। इस तरह का भरता ये बहुत टेस्टी लगता है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, जीरा का दे दिया है, स्प्लैटर हो रहा है। इसमें अदरक हरी मिर्च डाल करके चॉप किया हुआ प्याज इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे। चॉप किया हुआ दो टमाटर इसमें ऐड किया है। चॉप किया हुआ हरी धनिया,
इसमें थोड़ी सी नमक मिक्स कर देते हैं स्वाद के अनुसार, और डाल देंगे हम आलू जो कि छील करके इसको मैश दिया है। अब इसे हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा से भूनेंगे उतना ही ठीक रहता है, आलू का टेस्ट भी आता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो जब भी हम आलू का भरता बनाए भूने ज़रूर, तो कम से कम 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे ज़रूर। फ्लेम को हम कम कर देते हैं, मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे और ये बढ़िया सा हमारा आलू का भरता तैयार हो गया है। बहुत ही कलरफुल ये और बहुत ही हेल्दी भी है। अब पापड़ चिप्स की तैयारी कर लेते हैं। तो ऑयल को स्मोकी गरम किया है, पापड़ तल लेंगे। खिचड़ी के साथ इसका बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है। ऐसे तो राइस वगैरह में भी पापड़ खाते हैं पुलाव के साथ भी, लेकिन जो खिचड़ी में के साथ हम लोग खाते हैं पापड़ ना, वो अलग ही मज़ा है, खिचड़ी का भी टेस्ट बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये खिचड़ी की थाली जो कि शनिवार की थाली है तैयार हो गई है। कमेंट में आप ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आपको, और बढ़िया लगा रेसिपी तो लाइक ज़रूर कर देना।